वो देखा आपने पाकिस्तान का एक गेंडा तेरे पैर ना थोड़े टेढ़े हैं तो वो ना ऐसे हो जाते हैं। गौरव भी ना बेस लेवल पे ये सीधा है। गौरव बोल रहा है उसका मुंह का कलर नहीं हट रहा है। बिल्कुल ही नहीं हट रहा यार, ऐसे सर पे लगा पड़ा पूरा। तूने तो टीटरी ऑयल लगाया था। उसके बारे में मत बोलो यार कुछ। टीटरी ऑयल इज बेसिकली गुड फॉर बियर्ड ग्रोथ, नॉट फॉर कलर रिमूवल। मैं बोल रही थी सरसों का तेल लगा, अब बेटर है लाल मुंह लेकर। दो बार ऑर्डर मारता हूं यार। 2 वीक्स अगो बेबी। बेबी आप रुकती नहीं हो ना ज्यादा टाइम, आप तो एक पंछी हो। बेबी मैं फुल फ्री हूँ आपके लिए, आप जब बोलो मैं अपना बैठा हूँ एकदम बकायदा घर पे सेट सजा के। नाउ यू स्पेंड डे विद मी, ओके? देन आई विल से बाय टू श्रेया फॉर दैट डे, ओके? एंड वी विल स्पेंड अ डे टुगेदर बेबी, ओके हनी? सुबह से लेकर रात तक, और रात तक तुम्हें पता ही, ओके हनी? आई एम वेटिंग टू मीट यू। ओके ओके हनी, तुम मेरे साथ चलना, तुम मेरा माइक पकड़ के खड़े रहना, मैं बोलता रहूंगा, ठीक है? मिली पहन लो दूसरी पहन ले यार, वो इतनी पहन ली नहीं खरीदनी है, मिली मेरी सारी कंप्यूटर टूटी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है, और यहाँ पे मैंने आवाज़ इसलिए म्यूट कर दिया क्योंकि मैं घर के बाहर पहुँचा था विकासपुरी, और अंदर मम्मी और डैडी का कलेश चल रहा था जिसकी चीख चीख के बाहर तक आवाज़ आ रही थी, और मैंने कहा ज़रा अंदर घुसने से पहले ज़रा एक कलेश सुन ही लिया जाए क्योंकि बड़े अरे अरे कुछ तो टूटा पक्का, कुछ तो भसड़ मची अंदर। एनीवेज दोस्तों चलो, ये मैं कपड़े ले आया हूँ नोनू के लिए। अब हम चलते हैं अंदर, ओके? चल हल्का हल्का, अभी माइल्ड कलेश है, शायद एक ने दरवाज़ा बंद कराए, अब अंदर जा रही है, कुछ तो चल रहा है, चलो अंदर जाके देखते हैं। किसी दिन बिना गुड नाइट के सो जाए तो रात को बाल पकड़ के खींच के ले जाए, इतने मच्छर हैं। बहुत मच्छर हैं। अभी बाहर निकलोगे ना सिर के ऊपर इतना झुंड पूरा घूम रहा है। हां, मतलब अगर आप कभी भी गर्मियों के सीजन में विकासपुर आओ तो पर पर्सन एंट्री पे 150 मच्छर आपको मुफ्त मिलते हैं। हाँ यहाँ, और मोटे मोटे कितने हो गए हैं बताओ। नोनी, नोनू का क्या चल रहा है अभी? मकर क्या चल रहा है? उसके तो मजे हैं। क्यों? कल भी गया था अपनी तीन दोस्तों के साथ मजनू का टीला। कहाँ गया था? मजनू का टीला। मजनू का टीला, मजनू का टीला। बेचारा मेहनत भी तो कर रहा था कब से। दोस्तों ऐसा नहीं मिल रहा उसे फल। 2 साल से रोज क्रंचेस मारता था अकेले, कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। इसका जब मन करे आधी बार करी नहीं करी वर्कआउट, नोनू भाई नहीं छोड़ता था। कह रहा उसके था एक दिन कॉलेज जाऊंगा ये एब्स लेके, मैं गलती से खराब ना हो जाए। इसी एब्स में कब खुलेंगे कॉलेज? अब कर रहा है वर्कआउट, अभी भी करता है वर्कआउट, रोज कर रहा है। अब तो और एंथुसियाज्म मिल गई है। बिल्कुल। कितना वेट लूज करा उन्होंने? अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए। सोया सोया जाते हैं ना, घूमने जाना है। फर्स्ट टाइम दरवाजा प्रिपेयर करा जा रहा है। अरे बड़ा कहाँ जा रहा है, सीधा सही तो अभी जा रहा है। सीधा सा ये लेके पहली बार गौरव पापा को घुमाने लेके गए, और मेरे को समझ आया अलग ही जंग है अपने आप का वर्कआउट है इनको घुमाना। आपको दिखाऊंगा नहीं, पर इन्हें इतनी भरकट हट्टी करी है ना अभी आगे, पूरा 2.5 किलो का हग्गा मारा है। पापा लेके आए थे 2-4 दिन पहले, कह रहे मेरे को तो गिराई दी, पापा को गिराई दिया। चौड़े में आगे जा रहा है ना, दूसरा कुत्ता देखती उल्टा भगता फट्टू साला। अरे रुक जा पावड़ी है, सड़क पे जो कचरा दिख रहा है वहां जाके मुंह मार रहा है साला। बात नहीं बेटा, हेलो बोलो। हेलो बोले पाबलो, परेशान मत करियो, समझ गया। लीचड़ आदमी है बेचारा, वो नया वाले से दोस्ती करने आया, बिल्कुल दोस्ती नहीं बना रहा, ये पुराने दोस्तों में घुसा पड़ा। नहीं ये खुद ही नहीं भागेगा। नहीं भागेगा, फिर जैसे कोई गली वाला दिखेगा भक्के वापस आएगा। एक मिनट हट, रुक जा। गुबी ले आ, उसे बहुत दुष्ट हो रहा है वो। तो विकासपुरी के नजारे बढ़िया से मजेदार, रौनक चारों तरफ। अभी जा रहे हैं मोमोज खाने और एक कॉफी पीने। कॉफी तो पता नहीं है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मोमो जरूर मिलेंगे। और अब मैं शुरू करूंगा मोटो व्लॉगिंग इस तरीके की। मोटो व्लॉगिंग मतलब ऐसे मुंह के आगे दिखता रहता है और आप बोलते रहते हो बस ये देख। और श्रेया को समझ नहीं आ रहा यहाँ पे मोटो व्लॉगिंग करते करते सामान में फोन चोरी भी हो सकता है, नीचे रख लो। साइड से एक ना मोटरसाइकिल आएगी, स्नैच करके भाग जाएगी। पीछे 3 लड़के वैसे आ तो रहे हैं।
दोस्तों जितनी मर्जी गर्मी बढ़ जाए भट्टी बन जाए विकासपुरी दिल्ली इस टाइम मोमोज रेड हॉट के हम छोड़ते नहीं है इधर आकर के। ये सामने रेड हॉट यहाँ के मोमोज और ये देखो आपने ये श्रेया के ऊपर वाली रील बन सकती है इस टाइम। वो देखा आपने पाकिस्तान का एक गेंडा खाते हुए पकड़ा गया। आह मोमोज एंड विकासपुरी बेस्ट जगह। घर में सेम पैर के लोगों ने कहा ये जूते नूनू और मैं ये दो सेम जूते 6 महीना मैं पहनता हूँ 6 महीने ये पहनता अब ये इससे बोलोगे मैं इससे बोलोगे आई हैव न्यू शूज फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तेरे पैर ना थोड़े टेढ़े हैं तो वो ना ऐसे हो जाते हैं जूते। इसके पैर टेढ़े तेरे अपने खुद के पैर देखे आपने भैया का देखना भैया के जो शूज होते हैं ना दोनों टेढ़ा चलता है उल्टा नहीं इसका देखना ये इसका थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो गया रहता है मतलब सारे जूते ना तेरे तेरे थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे बेंड होते हैं ऐसे हां किसी तो एक साइड मच्छर है यार कसम से भाई। हाँ अभी अभी जैसे तूने बोला ना रॉन्ग इसमें भी आ रहा है देखना देखो कितने ऐसे चल रहे हैं ऐसे शाम शाम मार रहे यार ये कैमरा में भी आए इतने सारे सोच इतने मच्छर ही कैमरा में आ रहा है और पूरा पूरा ही है भाई नीचे छोड़ना तुमने बोलना ही छोड़ दिया कितनी दिखोगे बोल के करोगे क्या नहीं बट जब है तो है बोल के करोगे क्या। अरे अब जैसे ओडोमास है उसको टाइम से लगाओ रात में सोने जाएंगे जब लगाएंगे जब नींद आएगी तब लगाए ना अभी अभी लगा के खुशबू अब ओडोमास को ऐसे बॉडी लोशन लगाओ नहीं वही है और क्या अब रोज सुबह नहा एंड एक सेकंड टेक 2 स्टार्ट क्या क्या बता रहा था कॉलेज का। अरे अब कॉलेज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया है नहीं होगा सब उसके पेपर के मार्क्स के हिसाब से अब कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बोले 40% आए हाँ बस 12th का बस ये है कि पास होना है हाँ उसके बाद वो सबसे यार 12th का हमारे में तो क्या हुआ रहता था यार तगड़ी किस्मत लेके इनका बैच पैदा हुआ जो भी तो अच्छा क्यों तुम्हारा तो एग्जाम जो दो पेपर धंधे वाले उसके बेस पे बाकी का नंबर निकले हमारे टाइम पे जो हुआ था ना 12th के एग्जाम का कैसे एकदम रिजल्ट आता था तो ऐसा लगता बाप रे धक 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 मतलब ऐसा लगता जिंदगी मौत का सवाल हो गया। वो कहाँ गई नोनी हमारा वृद्धि कर कबाब ले कबाब मतलब कॉलेज में नोनू को पहचान रहे हैं दुकान पे भी आते हैं आप देखो बिना बिना प्रमोशन किए लोग आ रहे हैं खरीदा किसी ने आज तक हां दो तीन खरीद के भी गए हैं ऐसा नहीं एवरीथिंग इज स्टैंड नाउ तो अब मैं आई एम गोना चेंज माय हैबिट वन बाय वन बिकॉज़ आई एम रीडिंग एटॉमिक हैबिट दिस डेज ओके एटॉमिक हैबिट एंड दिस इज माय प्लेस फॉर द टी-शर्ट्स दैट आई वेयर नॉर्मली सो कीप इट हियर ओके ये पार्ट ये जो टी-शर्ट गुच्छा है ये है मेरे वर्कआउट सोने की रात को वो सब टी-शर्ट्स ओके ये टॉवल है ये लॉन्ग पैंट्स पैंट मतलब लॉन्ग कितने लॉन्ग होंगे मेरे पर तो मैं बता रहा हूँ कि अब ये सामान ऐसे ही रहना चाहिए मेरे को अपने इसके अंदर I don't want no clutter, no clutter in cupboard, no clutter in life. I don't even touch that cupboard of yours. Okay. Okay. And I'm gonna show you other one. Clutter in jurab is fine. क्या डिस्कशन हो रहा है बताना डिस्कशन हो रहा है सब लोग मिलके मेरी मम्मी की तारीफ कर रहे हैं कह रहे हमने दुनिया की सारी सासें देख ली सबसे अच्छी सास वही है नहीं मोदी को बोलो उनको लो हम पहली बार जब इनके आए ना थोड़े ऐसे एजुकेशन वाली बात है आप बताइए और ये मम्मी जी ने बोल दिया कितने साल बोल दिया स्टॉक्स वगैरह में लगाई भाई हमारे घर में भी पार्टी गई कह रहे दुनिया में क्या क्या चल रहा है हम हमारा वही नहीं खत्म हो रहा अरे खन्ना शराब पीने आ जा हमारे घर में वो की पड़ोसी आ रहे हमारा थोड़ा वैसा मोहल्ला हमारा मोहल्ला वाला सिस्टम था ना तो इसीलिए वो थोड़ा वैसे ही एक होता है ना आप एकदम अलग माहौल में चले जाओ तो झटके से डर से जाओ तो इसीलिए वो बेचारे वैसे आप चिल हो गए अब तो कूल हो गए वैसे तो बेस्ट पार्ट पता है क्या है किसकी वजह से मेरे से शायद 6 साल ही बड़ी है और पहले तो हम लोग बड़े नमस्ते आंटी नमस्ते आंटी क्योंकि हमें तो नहीं पता क्या एज है वो तो हम तो इसकी एज से समझ रहे उनकी एज ही होगी बाद में पता चला 6 साल ही बड़ी है। एक बार मेरे फेसबुक पे मेरे को बर्थडे विश किया उन्होंने हैप्पी बर्थडे बेटा और मेरे से बोला भी नहीं थैंक यू आंटी पता है पर बेचारी वो तो सोच रही है कि यंग हो गई है लोग
बेटा तो मैंने फिर बोला था उनको, मैंने कहा अच्छा, वो बोले बोला हाँ तो बेटे ही तो बच्चे जैसे तो मैंने कहा अरे बच्चे तो नहीं तो हमारी मम्मी प्रॉपर मम्मी है, अभी तो एक्चुअली जल्दी शादी हो गई ना, 17-18 में शादी हो गई, 17-18 में शादी हो गई, 18 में भाई बहन भी बहुत सीधे हैं, सीधे इतने सीधे, इतने सीधे वो लोग, उन्होंने तो कितना मतलब एक्चुअली टीनेजर है एक्चुअली, वो लोग बिल्कुल इसको छोड़ के सारे सीधे हैं, गौरव भी ना बेस लेवल पे ये सीधा है। ओके गाइस, तो फाइनली आपको पता चल चुका है कि मैं असली में तो सीधा ही इंसान ही हूं। एनीवेज इफ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हाँ? वो गलत लोग थे जो बोल रहे हैं। अच्छा, इफ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, नेक्स्ट व्लॉग विल बी आउट वेरी सून, टेक केयर, बाय, सी यू। उसके अलावा क्या कह रहा था भाई, अपने पास 2-3 व्लॉग पड़े हैं तगड़े तगड़े जो कि अभी डाले नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीजन, डोंट वरी, दोस व्लॉग्स मेरे को मैसेज आते रहते, ये वाला व्लॉग का है, वो वाला व्लॉग का है, विल कम वेरी सून, वेरी फास्ट, बस इस महीने के अंदर सारा निकाल दूंगा। 24 तारीख तो हो गई है, 30 के अंदर 3-4 व्लॉग और आ जाएंगे भाई। सी यू गाइस इन अदर व्लॉग वेरी सून, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, टेक केयर, बाय, सी यू।